अरे देवा, ऐसे सूखे घास जैसे हो गए तेरे बाल। हाँ बोला था ना कि रोज तेल लगवाया कर, आजकल मेरी बात कहाँ सुनती है। गढ़चिरौली में मेरी बात तो सुनती थी। हाँ भाई, ससुराल है तेरा, भला मायके वालों की बात क्यों सुनेगी तू। आओ मौसी, आपको ऐसे तेल लगाना है ना तो मत लगाओ, मुझे नहीं लगवाना आपसे तेल। और आपको तो बप्पा का शुक्रिया करना चाहिए कि आपको सही जोशी के बालों में तेल लगाने का मौका मिल रहा है। आपको फक्र महसूस करना चाहिए। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। बदमाश हो गई ये तू। वैसे मौसी, मजा बड़ा आया ना। काकू मेरी टांगे तोड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे मैंने उनके हाथों में डंडा दिया, बेचारी उन्हें समझ ही नहीं आया क्या करूं, स्टैचू बन के रह गए। मस्त था मस्त। वैसे वो दो हाथों से करती तो मोरनी नहीं लगेंगी। मस्त था मस्त। बड़ों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा ऐसे नहीं तो फिर कैसे उड़ाते? वैसे उड़ा दूंगी, अब बोलो जैसे। कैसे भी नहीं उड़ाते। सही, अपने घर वालों के साथ थोड़ा प्यार थोड़ी इज्जत से पेश आया करना। अच्छा सब मेरे साथ बदतमीजी करते रहे और मैं सबके साथ तमीज से पेश आऊँ। कितनी आसानी से सबने सोच लिया ना कि मैं विराट सर के खिलाफ ही कंप्लेन करने गई होंगी। हाँ तो तूने भी तो किसी को कुछ नहीं बताया था ना, सबको बता देती सच, अपने आप साबित हो जाता कि मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। जब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं किसी को कुछ साबित क्यों करूँ। और जहाँ तक रही प्यार और इज्जत से पेश आने की, तो जो इंसान मुझसे जिस जबान में सवाल पूछेगा मैं उसी जबान में आंसर भी दूंगी। सर ये कड़ी तेरे बाल कंघी करती हूँ। अच्छा एक बात बता, तू दामाद जी से अभी तक नाराज क्यों है? उन्होंने तेरा साथ दिया ना, तेरे साथ खड़े भी हुए और तुझे गलत नहीं साबित होने दिया। सही, अब छोड़ ना कल के झगड़े को, कमरे में जा और दामाद जी से बात कर लेना। जा। मुझे नहीं जाना उस कमरे में, और आप भी मुझे जाने के लिए मत भूलिए। अब चाहती हूँ मैं चली जाऊँ, ठीक है मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, बाहर जाके सोऊंगी, फिर वहाँ मुझे ना मच्छर उड़ा के ले जाएंगे, यही चाहती हो आप? अरे तो मुंह में आए कुछ भी बोल देती है। हाँ पगली कही की, चल आ जाए इधर, जल्दी से सोते है। अच्छा नहीं लगवाना आपसे तेल और नहीं सोना है। अच्छा ये कुछ नहीं बोलूंगी, बस आ जा। पगली है मेरी बच्ची पगली। सही रुको मैं देखती हूँ। सही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कीजिए। अकेले में करें, अपने कमरे में आओ। नहीं मैं उस कमरे में नहीं आऊंगी, क्योंकि कल ही आपने कहा था कि अगर मैं इस कमरे में सो गई तो अब से यही मेरा कमरा होगा, तो मैं यही सोऊंगी। गुड नाइट। सही, समझा करो, जरूरी बात करनी है, चलो। आपको इतनी रात को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है विराट सर? और आपकी बात इतनी जरूरी है तो बोलिए, यही बोलिए। मैं मौसी की इज्जत करता हूँ, कुछ बातें पति पत्नी की ऐसी होती हैं जो किसी तीसरे के सामने नहीं की जा सकती। प्लीज चलो। दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे, जा सही, दामाद जी खुद तुझे लेने आए हैं, तुझे उनके साथ जाना चाहिए। जा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मौसी? क्या हुआ? कमरे में जा,
मैं उसको देखती हूँ। तू जा, मैं कहीं नहीं जा रही। आप उसको भगाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे कहाँ भगाओ, पागल है क्या? तू जा दामाजी के कमरे में जा, मैं उसको देखती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, आप भगाओ ना। अरे तू जा ना दामाजी के कमरे में, मैं देखती हूँ ना, जा तू। सही सोच लो, अगर रात को ये चिपकली तुम्हारे बिस्तर पे आ जाए तो? सही, इतनी बड़ी चिपकली। विराट, तुमने मना ही लिया सही को? और वैसे भी अब तो तुम्हें अकेले कमरे में नींद भी नहीं आती होगी, है ना? मुझे सही से कुछ जरूरी बात करनी थी। ओ, मुझे लगा कि तुम अपने किसी जरूरी काम में बिजी होंगे। याद है विराट, थोड़ी देर पहले जब मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और तुमने कहा था कि पाखी मुझे एक जरूरी काम है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। गुड, देख लिया, यही था तुम्हारा जरूरी काम। पाखी दीदी, अगर एक पति अपनी नाराज पत्नी को मनाकर अपने कमरे में लेके जा रहा है तो इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ सही। लेकिन मेरे बारे में तो बात कर रही है, और अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे या मुझसे जुड़ी हुई किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ही। सही, बाकी से ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद वो परेशान थी इसलिए वो मेरे पास आई होगी। अगर ऐसा है विराट सर तो ठीक है, आप यहाँ खड़े होके इनकी सारी परेशानियाँ सुनिए और भूल जाइए वो जरूरी बात जो आपको मुझसे करनी थी। मैं वापस ऊषा मौसी के कमरे में चली जाती हूँ सोने। वैसे भी शायद पाखी दीदी को बुरा लग रहा है आपका और मेरा एक साथ कमरे में जाना। सही, उससे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत तो होगी ना पाखी दीदी, आप इतनी देर रात तक जगी हुई हैं, जबकि आपको तो परेशान होना चाहिए अपने पति के लिए जिनकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। लेकिन नहीं, आप तो किसी और के और की पर नजर रखे हुए हैं। सही, तुम अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूँ पाखी दीदी, लेकिन आपकी हरकतें मुझे मजबूर करती हैं मेरी हद पार करने के लिए। विराट, अपनी बीवी से कहो कि चुप हो जाए, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की भी बदतमीजी और बदजुबानी बर्दाश्त करेगी। हाँ तो मत करिए ना, चली जाइए अपने कमरे में, वहाँ मैं नहीं हूँ, और जाके सोइए। सब सो ही रहे हैं ना, फिर आपको क्यों नींद नहीं आ रही? तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कब और कहाँ जाना है। और विराट, तुम मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पाखी, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। मैं सही को शांत होने के लिए बोल चुका हूँ, लेकिन अभी उसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इस बार पहल तुमने की है। बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। हाँ विराट, यही बेहतर है। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को रोक कर तुम्हारा टाइम बर्बाद किया। आई एम रियली सॉरी। बाकी दीदी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ऊंची आवाज करके कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों के सामने खुद की ही नजरें चुक जाए। इंटरवल भी नहीं हुआ, कुछ इतनी एक्साइटिंग हो गई। अच्छा, खत्म होते होते तो
दैट इज इट। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।